IPL 2022 सीजन में शुरुआती 5 मैच हारने वाली मुंबई इंडियंस के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम अब भी 6ठी बार खिताब जीत सकती है। इसके लिए उसे अपने पहले ही एक पुराना फॉर्मूला दोहराना होगा। दरअसल मुंबई टीम ने 2015 सीजन में शुरुआती 6 में से सिर्फ एक ही मैच जीता था। उस सीजन में रोहित शर्मा ही कप्तानी संभाल रहे थे, तब मुंबई ने एक प्लान के तहत शानदार वापसी की थी और उस सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने के साथ दूसरी बार खिताब भी जीता था। IPL 2015 मुंबई इंडियंस के चैंपियन बनने का ऐसा था सफर। शुरुआती 6 मैच केवल एक जीत। नंबर 1, मुंबई को KKR ने 7 विकेट से हराया। नंबर 2, मुंबई को किंग्स पंजाब ने 18 रनों से हराया। नंबर 3, मुंबई को राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से हराया। नंबर 4, मुंबई को चेन्नई ने 6 विकेट से हराया। नंबर 5, मुंबई ने RCB को 18 रन से हराया। नंबर 6, मुंबई को दिल्ली ने 37 रनों से हराया। एक जीत मिलने के बाद जबरदस्त वापसी। नंबर 7, मुंबई ने सनराइजर को 20 रनों से हराया। नंबर 8, मुंबई ने राजस्थान रॉयल्स को 8 रनों से हराया। नंबर 9, मुंबई ने किंग्स पंजाब को 23 रनों से हराया। नंबर 10, मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। नंबर 11, मुंबई ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। नंबर 12, मुंबई को RCB ने 39 रनों से हराया। नंबर 13, मुंबई ने KKR को 5 रनों से हराया। नंबर 14, मुंबई ने सनराइजर को 9 विकेट से हराया। नंबर 15, मुंबई ने चेन्नई को 25 रनों से हराया, क्वालिफाई भी किया। नंबर 16, मुंबई ने चेन्नई को 41 रनों से हराया और फाइनल जीता। 2015 से कितना अलग है 2022 IPL सीजन। 2022 सीजन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार दो नई फ्रेंचाइजी जुड़ने से कुल 10 टीमें हो गई हैं, जबकि 2015 सीजन में सिर्फ 8 ही टीमें थी। हालांकि 10 टीमें होने के बावजूद 2015 की तरह ही इस बार भी हर एक टीम को ग्रुप स्टेज में 14-14 मैच खेलने हैं। ऐसे में मुंबई टीम को यदि मौजूद सीजन में भी फाइनल खेलना है और चैंपियन बनना है तो उसे 2015 फॉर्मूले की तरह ही अगले सभी मैच जीतने होंगे। यदि मुंबई टीम अगले बचे हुए 9 में से एक या दो मैच हारती है तो उसे क्वालिफाई में जगह बनाने के लिए अपने नेट रन रेट और बाकी टीमों की जीत हार पर निर्भर रहना पड़ सकता है। उम्मीद है कि मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा अब अपनी टीम को 6ठी बार खिताब जिताने के लिए 2015 के फॉर्मूले में जुट गए होंगे। मुंबई टीम ने अब तक सबसे ज्यादा 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 खिताब जीता है। मुंबई टीम को अब लखनऊ और चेन्नई से 2-2 मैच खेलने हैं। इसके साथ गुजरात, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली के खिलाफ 1-1 मैच होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।